पीएम मोदी को सपोर्ट कर लोगों के निशाने पर आए अनुपम खेर। अनुपम ने कहा आएगा मोदी ही, तो लोगों ने भी कह डाला अनुपम को देश का बड़ा कलंक। इस समय अनुपम पर देश की आधे से ज्यादा आबादी गुस्साई हुई है। वजह है पीएम मोदी की तारीफ करना। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि पीएम मोदी की आलोचना करते हुए जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता ने एक ट्वीट कर डाला। पहले आप उनका ये ट्वीट देखिए। शेखर गुप्ता लिखते हैं, एज द चाइल्ड ऑफ द 60s, आई हैव सीन एवरी क्राइसिस इंक्लूडिंग 3 फुल वॉर्स, फूड शॉर्टेजेस, क्लाइमेटिस। दिस इज आवर बिगेस्ट पोस्ट पार्टीशन क्राइसिस एंड नेवर हैज इंडिया सीन अ गवर्नमेंट मिसिंग इन एक्शन लाइक दिस। नो कंट्रोल रूम्स टू कॉल, नोबडी अकाउंटेबल टू रीच, इट्स अ गवर्नमेंट रूट। अब आप सीधे शब्दों में समझिए, कोरोना की दूसरी लहर से इस समय देश का क्या हाल हो गया है, ये आप अपने टीवी, फोन और लोगों की बातों को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में पूरा देश पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहा है, उनकी नाकामयाबी पर सवाल उठा रहा है। जहां सभी ने शेखर गुप्ता के इस ट्वीट पर सहमति जताई और उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन अनुपम खेर ने तो साफ ये बोल डाला कि आप गलत है। वो कैसे, तो अब आप अनुपम खेर का ये ट्वीट देखिए। अनुपम लिखते हैं, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक आपदा है पूरी दुनिया के लिए, हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उनपे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबके भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही, जय हो। अब जहां अनुपम ने ये ट्वीट किया, वहीं दूसरी तरफ लोग अनुपम की ये बात सुनकर भड़क उठे और पीएम मोदी के साथ साथ जमकर अनुपम के इस ट्वीट के बाद तो मानो जैसे लोगों के गुस्से की बाढ़ आ गई हो। खुद देखिए कुछ लोगों के ट्वीट्स जो उन्होंने अनुपम के इस ट्वीट पर रिप्लाई में और उन्हें ट्रॉल करते हुए किए। एक ट्विटर यूजर ने तो अनुपम को लॉयल डॉग तक कह डाला है, तो वहीं एक यूजर ने कहा कि अनुपम खेर का ये स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जैसे कंट्री को टीज कर रहा हो। एक और यूजर कोविड से जिंदगी हार गए लोगों की चिताओं की फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, लेकिन भारत मर गया। कुल मिलाकर इस समय पर भी पीएम मोदी के सपोर्ट में अनुपम के इस ट्वीट ने लोगों को बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अनुपम खेर ने पीएम मोदी या फिर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया हो। यहां तक कि अनुपम की तारीफ करते हुए तो पीएम मोदी खुद भी नहीं थकते हैं। खैर, शेखर गुप्ता और अनुपम खेर ने तो अपनी अपनी राय दे दी, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।